नमस्कार एनएनडी सेकंड सेम। टुडे सेशन टॉपिक ऑफ योर कोर्स एडवांस न्यूट्रिशन इज मैग्नीशियम। सो इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज मैग्नीशियम, इट्स एब्जॉर्प्शन, इट्स फंक्शन। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, मैग्नीशियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन टी। ठीक है, मतलब जैसे अब तक हम बात कर रहे थे कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, उसके बाद मैग्नीशियम ही आपका एक ऐसा तीसरा मिनरल है जो आपके बोन्स एंड टीथ में फाउंड होता है। ठीक है, वन ऑफ द मेजर कैटाइन्स इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। ठीक है, कैटाइन्स क्या होते हैं आपके? पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, तो वो आपके कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट्स एंड टिश्यूज में, एनिमल टिश्यूज में मैग्नीशियम बहुत अच्छा, मतलब अच्छे क्वान्टिटी में प्रेजेंट होता है। असेंशियल आयन, एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। एक असेंशियल आयन है आपका किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। मोस्टली फाउंड इन बोन्स एंड मसल, सेल टाइप एंड बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट अप टू 20 to 35 mg ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, एम जी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम, असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, तो मतलब आपके बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू का क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो उसको बनाता है एक अच्छे अमाउंट में। नाउ द एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ मैग्नीशियम। सो वन थर्ड इज एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज इन द बॉडी। ठीक है, आपका वन थर्ड तक जितना भी होता है बॉडी में प्रेजेंट, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है। हाई इनटेक ऑफ अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड लैक्टोज विल इंटरफेयर विद द मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, अगर आप ज्यादा अच्छे अमाउंट में कैल्शियम या फॉस्फोरस या लैक्टोज लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है आपका जो मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर होता है, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, इट स्टोर इन बोन लिटिल एक्सक्रीशन थ्रू द इंटेस्टाइन। ठीक है, आपका बोन में स्टोर होता है, आपका इंटेस्टाइन के थ्रू लिटिल इसका क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। मैग्नीशियम इज लॉस्ट वाया यूरिन एंड फीसेस, मैक्सिममली आपका यूरिन के थ्रू जो मैग्नीशियम होता है एक्सक्रीट आउट होता है। मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल लेवल ऑफ मैग्नीशियम इन बॉडी डिपेंड्स ऑन द बैलेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड रीनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। अब सोडियम और मैग्नीशियम का यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक रोल है। ये लास्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि जैसा जितना भी आपका नॉर्मल लेवल मैग्नीशियम का बॉडी में होता है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, सोडियम पे डिपेंड करता है, सोडियम का कितना एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे आपका मेन ये है कि आपके जो सोडियम आयन्स होते हैं, आपके मैग्नीशियम आयन्स होते हैं, उन दोनों के बीच बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जितना आपका सोडियम का एक्सक्रीशन होता है बॉडी से, उतना आपका मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब सोडियम एक्सक्रीशन लीड्स टू मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो मैग्नीशियम डायरेक्टली आपका सोडियम को इफेक्ट करता है। ठीक है, जितना आपका इंटेंस एक्सरसाइज होगी, ठीक है, और ज्यादा टाइम तक होगी आपका मैग्नीशियम का लेवल, उतना ही क्या होगा, डिप्लीट होगा बॉडी से। ठीक है, तो ये आपका मेजर इसका कैल्शियम और सॉरी एब्जॉर्प्शन जो था आपका मैग्नीशियम वाले किस पे डिपेंड करता है, सोडियम के एक्सक्रीशन पे। नाउ द फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम, द फर्स्ट इज टू रेगुलेट बॉडी नर्व्स एंड मसल्स। ठीक है, बॉडी की जो नर्व्स होती है, नर्व सेल्स होते हैं और जो मसल फाइबर्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिवेटर ऑफ न्यूमरस कोएंजाइम, कार्बोक्सिलेज एज होता है आपका कोए। ठीक है, इसका भी आपका सिंथेसाइज करता है और ऐसे जैसे बहुत सारे कोएंजाइम्स आपके होते हैं उनको भी सिंथेसाइज करता है। इट्स हेल्प्स इन कैटलाइजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, आपके जितने फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं उनको भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इट बाइंड्स mRNA, mRNA क्या होता है आपका, RNA का ही एक आपका टाइप होता है, जैसे RNA, tRNA और mRNA होता है, इसको मैसेंजर RNA कहते हैं, तो उसको भी अपने साथ बाइंड करता है। मैसेंजर RNA क्या करता है आपका, मैसेज ट्रांसफर करता है, सिग्नल ट्रांसफर करता है बॉडी में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इन सिंथेसाइज एंड डिग्रेडेशन ऑफ DNA। ठीक है, मतलब आपके DNA के सिंथेसाइज के लिए भी आपका क्या होता है, हेल्पफुल होता है। The last point is critical for normal metabolism and function of an organism. किसी भी organism के metabolism के लिए, उसके function के लिए जरूरी होता है। जितनी metabolic reactions होती हैं body में आपकी, ठीक है, तो वहाँ आपके phosphate ions भी involve होते हैं, वहाँ आपके magnesium ions भी involve होते हैं, तो इसलिए magnesium आपका हर metabolism में भी क्या होता है, critical role play करता है।
दिस इज ऑल विद द सेशन विद मैग्नीशियम, इंट्रोडक्शन, इट्स फंक्शन एंड इट्स एब्जॉर्प्शन. सो इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन. थैंक यू.